हेलो फ्रेंड्स, मैं दिगंबर सिंह आपका स्वागत करता हूं मैकेनिकल स्टडी में। तो रीजनिंग वाला पोर्शन है जो हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्शन से, डायरेक्शन टॉपिक से। मैं आपको बुक के बारे में बताना भूल गया था। आप बुक है ना, आर एस अग्रवाल की बुक परचेज कर सकते हैं, बहुत अच्छी एफिशिएंट बुक है। कि आप उसमें से क्वेश्चन जितने हो सके ना, मेन चीज़ क्या है, रीजनिंग हुआ, एप्टीट्यूड हुआ, ये वाली चीज़ें ऐसी हैं जिसमें है ना, आप जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे ना, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपका एग्जाम का फोबिया निकल जाएगा, और ऊपर से क्या है कि आपके जो एक्यूरेसी लेवल है, एक्यूरेसी लेवल भी बहुत अच्छा रहेगा। ओके, तो आर एस अग्रवाल की बुक, या फिर आप पुराने प्रैक्टिस सेट, मतलब क्वेश्चंस वगैरह हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं आरआरबी में, एसएससी में या अदर एग्जाम्स में, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे क्या है कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी, और क्वेश्चंस आप सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी कि दिशा। ये टॉपिक है। इस टॉपिक में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि है ना, किस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपको एक दो क्वेश्चन तो इजीली मिल ही जाएगा, और बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा, और आप है ना विद इन 30 सेकेंड या 40 सेकेंड आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि डायरेक्शन में कैसे आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। ये तो सिंपल आपकी डायरेक्शन हो गई, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। साइन कन्वेंशन और जो भी है पूरा प्रॉपर इसी तरीके से आपको लेना है। ईस्ट वाला पोर्शन आपको पॉजिटिव, वेस्ट नेगेटिव, नॉर्थ पॉजिटिव और साउथ आपका नेगेटिव। इस तरीके से आपको साइन कन्वेंशन रखने हैं। ठीक है, ये आपका हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया आपका साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, और ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट। इस तरीके से ये डायरेक्शन होती है आपकी। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कितने तरीके के बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला बनता है मैग्नीट्यूड पे। मैग्नीट्यूड मींस आपका एक पर्सन है ना, ट्रेवल कर रहा है, उसने कई सारी डायरेक्शन चेंज करी, कभी इधर गया कभी उधर गया, तो फाइनल उसका है ना, वो अपनी जो इनिशियल पोजिशन से उससे कितने दूर पे है। ठीक है, और दूसरा होता है आपका, वो आता है डायरेक्शन पे, कि वो अब किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये दोनों बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ये पहला टाइप है, ये दूसरा टाइप है। ये दोनों टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, और इसमें देखेंगे कि किस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि मैंने आपको जैसे बताया कि आपके जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन सी है आपकी। ईस्ट है जो आपकी पॉजिटिव है, वेस्ट है आपकी नेगेटिव है। नेक्स्ट है आपका वर्टिकल। वर्टिकल ये डायरेक्शन है आपकी, इसमें क्या है आपका एन नॉर्थ पॉजिटिव और साउथ नेगेटिव। इस तरीके के साइन कन्वेंशन यूज में लेना है आपको, और इस साइन कन्वेंशन से आपका क्वेश्चन, मैं गारंटी लेता हूं कि कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। किस तरीके से देखिए, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, वो पर्सन ट्रेवल कर रहा है ए डिस्टेंस, बी सी डी और ई। ठीक है, इसमें से ये दोनों डिस्टेंस हैं ये वर्टिकल हैं, और ये दोनों, ये डिस्टेंस आपकी हॉरिजॉन्टल है, और इसमें से भी हॉरिजॉन्टल में ये आपका वेस्ट डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में ट्रेवल कर रहा है, वो वेस्ट डायरेक्शन में कर रहा है, और यहाँ पे ये जो ई वाला पोर्शन है, ई है, ये आपका साउथ में ट्रेवल कर रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको फाइनल जो निकालना है डिस्टेंस के लिए, जो मैग्नीट्यूड के लिए, तो हॉरिजॉन्टल का देखना है पहले कि हॉरिजॉन्टल कितना है, यहाँ मॉडुलस लगा के, क्योंकि जो फाइनल डिस्टेंस है वो आपकी पॉजिटिव में आनी चाहिए, क्योंकि आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी प्लस सी, और वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, डी माइनस ई। समझ में आया आपके, कि इस तरीके से जो जो डी है माइनस ई, ई यहाँ पे किसमें, साउथ डायरेक्शन में, और ये आपको अलग से कोई साइन नहीं लगाना, आपको हमेशा उसको देखना है कि उसकी डायरेक्शन क्या है, साउथ में नॉर्थ में, उसी हिसाब से, और मॉडुलस आपको फाइनल मैग्नीट्यूड देगा। मान लीजिए ये आ रहा है आपका एफ और ये आ रहा है जी, ये वैल्यू आ रही है आपकी, तो जो फाइनल डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी आपकी अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये आपकी फाइनल डिस्टेंस हो जाएगी, मान लीजिए के है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डायरेक्शन का क्या है कि डायरेक्शन की आपको सेंस लेना पड़ेगा कि अभी वो कहाँ पे है, वो पूरा उसको डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ठीक है, इस पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और आपको उसको कैसे एफिशिएंटली अटेम्प्ट कर सकते हैं। दो क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे, एक मैग्नीट्यूड वाला, एक डायरेक्शन वाला। किसी किसी क्वेश्चन में दोनों चीज़ें पूछ लेते हैं आपसे, मैग्नीट्यूड भी पूछ लेता है कि कितने पे है, और अभी उसकी फेसिंग क्या हाँ पे है, वो किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में नहीं है। ठीक है,
इस पे क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके क्वेश्चंस जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए सही रहेगा और आप इजीली क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए पर्सन ए है, पर्सन ए है इस टाइम पे, वो क्या है आपका, फेसिंग नॉर्थ, वो नॉर्थ डायरेक्शन में, ये प्रीवियस से आया हुआ क्वेश्चन है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में उसकी फेसिंग है, ऊपर की तरफ वो देख रहा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में बोला गया है कि वो क्या करता है, 3/4 सर्किल आपका कंप्लीट करता है। 3/4 सर्किल क्या हो गया आपका, 180 प्लस 90 यानी कि 270 डिग्री। अब इसमें क्या है कि इनकेस अगर आपको यहां पर दे रखा है कि वो 3/4 सर्किल कंप्लीट कर रहा है क्लॉकवाइज, तो ठीक है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है, इन केस अगर कुछ नहीं दे रखा है, आपको बोला कि 3/4 सर्किल वो मूव कर रहा है, तो आपको हमेशा ये क्लॉकवाइज ही लेना है। ओके, तो 3/4 सर्किल ये क्लॉकवाइज घूमा, यहां से ये आधा सर्किल हो गया यहां तक, फिर उसके बाद ये 3/4 पे पहुंच गया, यानी कि ये इस पॉइंट पे पहुंच गया। अब आप देखिए इसकी डायरेक्शन क्या है कि हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में थी, जो भी सर्किल जैसे स्टार्टिंग में नॉर्थ में थी, तो ये यहां पे जैसे घूम के आया, तो इसकी डायरेक्शन आपकी कहाँ होगी, ये अभी वेस्ट में है। अब आगे से आगे आपसे बोल रहा है कि टेक ए राइट टर्न, वो राइट टर्न लेता है, अब उसकी डायरेक्शन बताइए कि डायरेक्शन क्या होगी। तो जैसा जैसा क्वेश्चन में आपसे बोलता जा रहा है, वैसे वैसे आप डायग्राम तुरंत ड्रॉ करते जाएं, और फिर उसके बाद आप है ना फाइनल जो डायरेक्शन आए वो उसको देखिए। अब इसने क्या किया, राइट टर्न ले लिया, यार राइट टर्न मतलब लेने के बाद इसकी डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, इसने राइट टर्न लिया तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी आपकी इधर नॉर्थ, तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे नॉर्थ। तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन है, और मान लीजिए सिंपल ये तो सर्किल वाला था, एक पर्सन ए है पहले मूव करता है वेस्ट, फिर नॉर्थ, और फिर राइट टर्न लेता है, यानी कि पहले वो वेस्ट में मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे था वो वेस्ट में मूव कर रहा है, वेस्ट में मूव किया, फिर उसने नॉर्थ में मूव किया, फिर राइट टर्न लिया, तो उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी आपकी, आपकी ईस्ट डायरेक्शन होगी। ठीक है, इस तरीके के डायरेक्शन के क्वेश्चन होते हैं, आप इजीली उसको डायग्राम को ड्रॉ करके थोड़ा सा छोटा सा हल्का सा वर्क करना पड़ेगा आपको, और आप आंसर आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन एक तरह का हो गया जिसमें आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड पे, कि मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाला जो क्वेश्चन है वो आपका काफी इंपॉर्टेंट है, और उसमें थोड़ा सा आपको सेफली काम करना है, क्योंकि इसमें यार हल्का सा आपका मिस्टेक हो गया तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। ओके, तो मैग्नीट्यूड वाला क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, मैं इसको एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ। ए पर्सन गोज 40 मीटर नॉर्थ, यानी कि एक पर्सन है मान लीजिए यहाँ पे है, गोज 40 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ में वो 40 मीटर जाता है, ठीक है, इसके बाद टेक्स ए राइट टर्न, वो राइट टर्न ले रहा है, एंड गोज 30 मीटर, 30 मीटर यहाँ पे ये चला गया। आपको क्या करना है, जैसे ही मैंने ये 40 मीटर लिखा, यानी कि ये नॉर्थ डायरेक्शन में 40 मीटर मूव कर रहा है, तो मेरे को यहाँ पे बस पॉजिटिव लगा देना है, मैंने आपको साइन कन्वेंशन के बारे में बताया था। अब ये क्या कर रहा है, ईस्ट डायरेक्शन मूव कर रहा है, यहाँ भी पॉजिटिव लगा देना है मेरे को, ठीक है। नाउ एंड टेक्स ए लेफ्ट टर्न, 30 मीटर वो क्या गया, राइट डायरेक्शन में गया, और टेक से लेफ्ट टर्न, और उसने लेफ्ट टर्न लिया एंड गोज 20 मीटर, ये आपका 20 मीटर लेफ्ट टर्न लेने लेगा, तो वो कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा आपका, नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगा, तो 20 मीटर यहाँ चला गया, लेफ्ट टर्न लिया उसने, है ना। उसके बाद आपका क्या है, एंड टेक से राइट टर्न एंड गोज 35 मीटर, अब इसके बाद ये यहाँ से क्या है, राइट टर्न ले रहा है, सीधे हाथ में मूव कर रहा है, एंड मूव 35 मीटर्स, अब ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव आ जाएगी। एंड टेक्स अनदर राइट टर्न एंड गोज 50 मीटर, अब यहां से क्या कर रहा है, ये 50 मीटर नीचे मूव कर रहा है, 50 मीटर यहां से राइट टर्न लिया इसने, और ये क्या है, 50 मीटर नीचे की डायरेक्शन मूव कर गया, तो ये डायरेक्शन जो आपकी साउथ वाली है, नीचे की डायरेक्शन है, तो ये आपकी नेगेटिव में आ जाएगी।
एंड टेक्स अनदर राइट टर्न एंड गोज 40 मीटर। अब इसके बाद क्या कर रहा है, ये राइट टर्न ले रहा है और 40 मीटर आपका अंदर की तरफ यहाँ आ रहा है। यहां से राइट टर्न, पीछे की साइड से इसने साउथ से राइट टर्न लिया और ये यहाँ पे 40 मीटर मूव कर रहा है। डायरेक्शन ये है आपकी, तो ये आपकी नेगेटिव आ जाएगी क्योंकि वेस्ट साइड में। देन हाउ फार ही इज फ्रॉम इनिशियल पोजिशन, यानी कि आपकी जो पोजिशन है, पहली पोजिशन ये ए पोजिशन थी और ये बी पोजिशन पे पहुंच गया आपका, ठीक है। तो आपको कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि है ना, पहले उसने 40 मीटर गया नॉर्थ डायरेक्शन पॉजिटिव, 30 मीटर राइट डायरेक्शन के लिए मूव किया यानी कि ईस्ट डायरेक्शन है तो पॉजिटिव, फिर आपका 20 मीटर उसने लेफ्ट साइड में मूव किया तो फिर आपका पॉजिटिव आ जाए क्योंकि नॉर्थ है, फिर आपका राइट टर्न लिया 35 मीटर, फिर आपका आपका ये पॉजिटिव आ जाए क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन है, फिर उसके बाद 50 मीटर साउथ डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ पे आपको लेफ्ट और राइट टर्न के अलावा वो डायरेक्शन भी दे सकता है कि साउथ में मूव कर रहा है, नॉर्थ में मूव कर रहा है, यहाँ मूव कर रहा है, तो ठीक है। आपको क्या है कि इनिशियल पोजिशन से वो कितनी डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी। ओके, तो मैंने आपको जो बताया था उस तरीके से अपन काम करते हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का देख लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो कितना मूव किया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पहली आपकी ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। तो पहली ये है आपकी 30 पॉजिटिव के साथ है, दूसरी 35 पॉजिटिव एंड थर्ड आपकी है आपकी 40 नेगेटिव। ओके, तो ये डायरेक्शन कितनी होगी आपकी, 65 माइनस 40 यानी कि 25, 25 मीटर वो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव किया। ओके, नेक्स्ट है वर्टिकल। वर्टिकल डायरेक्शन का कैसे देखेंगे अपन, 40 है पॉजिटिव है, 40 प्लस 20 पॉजिटिव माइनस 50। देखा आपने, ये 40 चला गया, उसके बाद ये 20 पॉजिटिव, फिर 50 नेगेटिव। ओके, तो ये आ गया 60 माइनस 50, ये हो गया आपका 10, 10 मीटर। तो ओवरऑल जो आपकी डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस क्या होगी, रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ये सारी की सारी जो कैलकुलेशन है आपकी, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आपको डायरेक्ट है ना, आप प्लस माइनस करके, ये स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है, बाकी ये सारे के सारे स्टेप आप स्विच कर देंगे और डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाएंगे। आप बस यही वाला पोर्शन लिखेंगे और इसमें क्या लिखेंगे आप, 25 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया आपका 10 स्क्वायर, ये हो गया आपका 625 प्लस 100, तो 725 अंडर रूट, तो ये आपका 26 पॉइंट समथिंग के आसपास आ जाएगा, 9 के आसपास ये मीटर। यानी कि आपका जो ये पर्सन है वो किस कितनी डिस्टेंस पे है, वो डिस्टेंस है आपकी 26.9 मीटर, यानी कि इतनी डिस्टेंस पे ये इनिशियल पोजीशन से है। डायरेक्शन आपने जैसे ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, तो ड्रॉ करने के बाद डायरेक्शन आपको सीधे पता चल गया कि डायरेक्शन में कौन सी में है, ये वेस्ट साइड में मूव कर रहा है। ओके, तो डायरेक्शन यहाँ से सेंस होगी। अब ये आपसे पूछे कि इनिशियल पोजीशन से किस डायरेक्शन में वो, तो इनिशियल पोजीशन से यहीं पे आप ये ड्रॉ करके बता सकते हैं कि ये आपकी ईस्ट हो गई और ये नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है इनिशियल पोजीशन से, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं जो RRB में आते हैं, SSC में आते हैं, इन क्वेश्चन को आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस है। आपको अगर इन केस कोई क्वेरी है और किसी टाइप के और क्वेश्चन आप चाहते हैं कि उस तरह के, हम वैसे तो क्वेश्चंस वाले पोर्शन में हम अलग से कवर कर लेंगे, पूरे क्वेश्चन जितने भी होंगे उनके बारे में पूरा डिस्कस कर लेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ, हर टॉपिक के कम से कम 10-15 क्वेश्चन तो डिस्कस कर ही लेंगे, जिससे क्या है कि अलग अलग टाइप के, वैसे मोस्टली इसमें दो ही टाइप हैं आपका, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। ओके, इन केस कोई क्वेरी है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और भी जो कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो हम इंप्रूवमेंट करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू।